ये तो नीतीश कुमार थे तो भारतीय जनता पार्टी को फैलने का मौका मिला। साथ में हम लोगों के काम किए हैं, शुभकामना है, लेकिन कितना सफल हो पाएंगे तो 24 और 25 का चुनाव ना बताएगा। लोहिया गांधी और अंबेडकर का बिहार है, यहाँ पर भाजपा का बहुत कुछ चलने वाला है। कोर्ट का न्यायालय का मामला है तो हाईकोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ यहाँ होगा वहाँ रिलीफ के लिए जाएंगे। हमको जानकारी नहीं है कोई कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन कोई न्यायालय ने अगर कोई अपना न्याय सुनाया है तो उसके खिलाफ ऊपरी कोर्ट है, उसमें जाके अपनी बात को रखेंगे। सम्राट चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन का 24 और 25 में सूत्रा साफ हो जाएगा। अब है कि बनाया गया है, इसके लिए उनको शुभकामना है, नौजवान है, साथ में हम लोगों के काम किए हैं, शुभकामना है, लेकिन कितना सफल हो पाएंगे तो 24 और 25 का चुनाव ना बताएगा। जब बनाया जाता है किसी को तो इसी उम्मीद से बनाया जाता है ना कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब कितना अच्छा होगा ये तो 24 के चुनाव और 25 के चुनाव में पता चलेगा, लेकिन हमारी शुभकामना है, नौजवान हैं हम लोगों के साथ, हाउस में मेम्बर हैं, हमारी शुभकामना है। लेकिन वैचारिक, जहाँ पर वैचारिक मतभेद होता है तो व्यक्तिगत कोई राजनीति नहीं होती है ना, वैचारिक राजनीति होती है। ये बिहार हमेशा से गांधी और अंबेडकर के पदचिन्हों पर, लोहिया के पदचिन्हों पर चलने वाला बिहार है, ये धर्म के नाम पर बटने वाला बिहार नहीं है। ये तो नीतीश कुमार थे तो भारतीय जनता पार्टी को फैलने का मौका मिला, उनके साथ गठबंधन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो भाजपा ने जो नीति बनाई थी वो समतुलक समाज की नीति थी, रहते हुए भारतीय जनता भाजपा में भी वो सभी समाज और लोगों को लेके चलने वाले लोग थे, तो उनके साथ रहा। अब मोदी जी के साथ की जो सरकार है वो पूरा एक मतलब जिसको बोलते हैं फंडामेंटली जो है वो कहीं ना कहीं एकदम लेफ्ट विंग के साथ नहीं, राइट विंग है इनका, तो उसके साथ हमको नहीं लगता है कि बिहार जा सकेगा। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विरोधी चेहरे के तौर पर देखा जाता है, अब तो अध्यक्ष बना दिए गए। अरे भाई, सम्राट चौधरी आरजेडी से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, लालू प्रसाद यादव के साथ मंत्री रहे, राबड़ी जी के साथ मंत्री रहे, उसके बाद फिर नीतीश जी के साथ आए, नीतीश जी के साथ भी मंत्री रहे, तो ये कहना कि विरोधी चेहरा के रूप में देखा जाता है। अब ये है कि वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हमारा नीतीश जी का और महागठबंधन का वैचारिक मतभेद है, अब उस विचार के साथ वो चल रहे हैं। समस्या उत्पन्न करेंगे महागठबंधन के लिए? हम तो कहे कि हमारी शुभकामना है, हमारे साथ हमारे हाउस में है, हमारे साथ लंबे समय से पॉलिटिक्स करते रहे, हमारी शुभकामना है, लेकिन वैचारिक जहां मतभेद होता है वहां पर, इस बिहार में लोहिया गांधी और अंबेडकर का बिहार है, यहां पर भाजपा का बहुत कुछ चलने वाला नहीं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।